सो गाइस, मैंने आप लोगों के साथ ढेर सारी वीडियो ऐसी शेयर की है जहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सी चीज हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, कौन से बैड हैबिट्स हमें नहीं करना चाहिए, हमारी स्किन ग्लोइंग एंड ब्राइट लगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन से गुड हैबिट्स जो हमारे स्किन के रेजिम में या फिर हमारे लाइफ स्टाइल में अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी स्किन बनती है ग्लोइंग, ब्राइट एंड क्लियर, और हमारी स्किन में जो भी प्रॉब्लम है वो रिड्यूस हो जाती है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। पॉइंट नंबर वन इज The first thing, जब आप नींद से उठते हो, is to warm up your face. तो अभी फेस को कैसे वार्म अप करना है? सबसे पहले अपने हाथों को लीजिए, दोनों हाथों के पाम को ऐसे बहुत अच्छे से रब कीजिए एक दूसरे के साथ, एटलीस्ट 10-15 सेकेंड्स या फिर 20 सेकेंड्स के लिए आप अच्छे से रब कर लो। उसके बाद अपने पाम को अपने फेस के ऊपर जेंटली टैप करो। इससे जो भी आपके पाम में जो भी वार्म्थ जनरेट हुआ है वो आपके फेस में ट्रांसफर हो जाए, विच विल इवेंचुअली ट्रांसफर गुड एनर्जी, और जैसे आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और नेचुरली आपकी स्किन अच्छी होगी। पॉइंट नंबर वन भी मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है, फिर भी अगर आप इस स्टेप को करते हो देन यू विल डेफिनेटली नोटिस अ गुड चेंज विद इन अ मंथ और टू। पॉइंट नंबर टू इज ऑयल पुलिंग, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो किया है, सो डेफिनेटली चेक आउट दैट वीडियो। और ऑयल पुलिंग के बेनिफिट्स मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। ऑयल पुलिंग का एक और बेनिफिट भी है, वो है हमारे स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एनहांस करता है, जिसकी वजह से अंदर से हमारी स्किन बहुत ही ग्लो करती है, प्लस जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाती है मुंह के अंदर, जिसकी वजह से भी हमारा स्किन, हमारा स्टमक क्लीन रहता है, क्लियर रहता है, जिससे हमारी स्किन इवेंचुअली क्लियर बनती है, ग्लोइंग बनती है। डेफिनेटली अगर आप ऑयल पुलिंग नहीं करते हो देन डू ट्राई इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज ऑयल पुलिंग, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन। पॉइंट नंबर थ्री इज फेशियल योगा। यू कैन डू फेशियल योगा इन द मॉर्निंग या फिर आप इवनिंग में भी फेशियल योगा कर सकते हो। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप फेशियल योगा करें, और हर दिन करें, एंड मेक इट अ लाइफस्टाइल चेंज। मतलब आपके पूरे लाइफस्टाइल में इस चीज को आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। फेशियल योगा के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर किए हैं, डिटेल वीडियो, इसलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो अगर आप फेशियल योगा के बारे में जानना चाहते हो देन डेफिनेटली वॉच आउट दोस वीडियोस, में ऊपर आई कार्ड या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बट फेशियल योगा करने के बहुत सारे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है, स्पेसिफिकली कि हमारा स्किन जो है वो टोन्ड होता है, मसल्स टोन्ड होते हैं, स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता है, क्लियर स्किन मिलती है, स्किन ग्लोइंग बनती है। पॉइंट नंबर फोर इज फेस मसाज, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है। फेस मसाज अगर आप करते हो तो वीक में एक बार, तो आप देखो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होता है, जिसकी वजह से आपका फ्लो जो है ब्लड का वो फुल फेस में बहुत ही इक्वली और बहुत ही अच्छी तरीके से इंक्रीज होता है। तो इस वजह से हमारा स्किन जो है वो अंदर से ग्लो करता है, एंड ग्लोइंग स्किन मीन्स कि आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। और फेशियल मसाज के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जो मैंने वीडियोस में पहले के वीडियोस में शेयर किया है, उसको जरूर चेक करना कैसे करना है करेक्टली। पॉइंट नंबर फाइव इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 फ्रूट्स इन अ डे एंड ऑल्सो टू इंक्लूड नट्स इन योर डाइट। डाइट इज द क्रूशियल थिंग जो हमारे स्किन का, बॉडी का, हेयर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो जो दो चीजें हैं मैं आपको आपके डाइट में इंक्लूड करो अगर आप वेजिटेरियन हो, तो वो है 2 डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और नट्स। नट्स एंड फ्रूट्स में न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन्स मौजूद होता है, जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी के लिए और हमारे हेयर के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो अगर आप इन जनरल अगर आप हर दिन दोनों चीजों को इंटेक करते तो आप देखोगे स्किन का टेक्सचर जो है वो एनहांस होगा, ग्लो बनेगा, और ऑटोमेटिकली आपकी डल स्किन बहुत ज्यादा रिजुविनेटेड लगेगी। पॉइंट नंबर 6 इज टू कीप योर फेस क्लीन। इसका मतलब है सिर्फ रात को सोने से पहले सिर्फ आपके फेस को आपको क्लीन नहीं करना है, मेकअप को सिर्फ हटाना नहीं है, बल्कि पूरे दिन में जब भी आप स्वेट करो, जैसा मैं बहुत ज्यादा स्वेट करती हूँ, और जब भी आपके स्किन में डर्ट एंड ऑयल सीबम प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, सीक्रेशन हो, तो उसी टाइम पे आपको एक टिश्यू से अपने स्किन को पैट ड्राई करना है, ताकि वो जो डर्ट है, ऑयल है, वो हट जाए। नेवर पुट योर हैंड्स ऑन योर फेस विच इज वेरी ग्रॉस, क्योंकि हाथ में बहुत जर्म्स रहता है, के यूज अ टिश्यू, और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल सीबम या फिर स्वेट है उसको आप हटा लो उस चीज से। दैट विल हेल्प टू कीप योर स्किन क्लीन। और उसी के साथ रात को सोने से पहले ऑब्वियसली मेक श्योर कि यू आर रिमूविंग ऑल द मेकअप, ऑल द डर्ट एंड गर्म फ्रॉम योर फेस, एंड देन अप्लाइंग अ मॉइस्चराइजर एंड गोइंग टू स्लीप। पॉइंट नंबर 7 इज फेस स्टीमिंग। फेस स्टीमिंग के ऊपर 1 साल पहले या 2 साल पहले मैंने बहुत ही अच्छा सा एक वीडियो किया है जो आप देख सकते हो, जिसके अंदर डिटेल में सारी स्टेप बाय स्टेप बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ डिस्कस किया है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, फेस स्टीमिंग ने
तीन साल से कर रही हूँ अभी, एंड माई स्किन इज लाइक टेलिंग मी थैंक यू आफ्टर एवरी टाइम आई डू अ फेस स्टीमिंग सेशन, क्योंकि फेस स्टीमिंग सिर्फ हमारे स्किन को स्टीम ही नहीं देता है बल्कि हमारे कंजेस्टेड क्लॉक्ड पोर्स को थोड़ा सा ओपन अप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वहां से जो भी ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स है बहुत इजीली रिमूव होता है, एंड फर्दर वो ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स मेरी स्किन में पिंपल रैशेज और एक्ने के फॉर्म में बढ़ के आती नहीं है, पॉप अप नहीं होती है. सो दैट्स द रीजन कि फेस स्टीमिंग इज सो इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्किन ग्लोइंग एंड हेल्दी एंड क्लीन. तो अगर आप फेस स्टीमिंग नहीं करते हो देन स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज ही कर सकते हो. फेस स्टीमिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर योर स्किन, बट येस ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप फेस स्टीमिंग हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में सिर्फ एक बार कर रहे हो. दिस इज नॉट समथिंग जो आपको डेली करना, एंड डू इट इन अ प्रॉपर वे. मैं वीडियो में जैसे दिखा रही हूँ यू कैन डू इट दैट वे, क्योंकि अभी मेरे पास और भी ज्यादा चीजें आ गई है और एनहेंस हो गए हैं मेरे टेक्निक्स, तो आई ऑल्सो डू इट इन अ डिफरेंट वे. अगर आप वो भी देखना चाहते हो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप दूसरा एडवांस वे ऑफ फेस स्टीमिंग भी देखना चाहते हो या नहीं, तो मैं जरूर करूंगी वीडियो. पॉइंट नंबर 8 इज आइस क्यूब मसाज. फेस में आइस क्यूब मसाज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे. अगर आप इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना मुझे. मेक श्योर कि जब आप आइस क्यूब मसाज कर रहे हो अपने फेस में तो आपका स्किन क्लीन है, और जो आइस क्यूब आप यूज कर रहे हो वो भी अच्छी क्वालिटी का आइस हो. आप अपने आरओ या फिर मिनरल वाटर लेके आइस क्यूब बना सकते हो, उसका आइस क्यूब भी सफिशियंट है. यू डोंट हैव टू एड एलोवेरा जेल और रोज वाटर और एनीथिंग एल्स, सिर्फ प्लेन आइस क्यूब ही काम कर देता है आपका. हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार भी आइस क्यूब मसाज करते हो यू विल सी कि आपकी स्किन जो है बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी, आपका स्किन का जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डिले हो जाएगा, बिकॉज आइस क्यूब रियली हेल्प्स आवर स्किन टू गेट दैट इलास्टिसिटी एंड फर्मनेस. तो डेफिनेटली ट्राई दिस आइस क्यूब मसाज एटलीस्ट 2x. पॉइंट नंबर 9 मास्किंग. तो क्लींजिंग एंड मास्किंग अगर आप करते हो, क्लींजिंग रेगुलरली करना होता है, मास्किंग वंस इन अ वीक या फिर 2x इन अ वीक डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप एंड रिक्वायरमेंट. अगर आज आपकी स्किन में पिंपल आ रही है और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया जिस दिन आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है, देन दैट विल इरिटेट योर स्किन फर्दर और आपकी स्किन में और भी ज्यादा पिंपल रैशेस या फिर कंजेशन हो सकते हैं. तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपकी स्किन पहले क्या फील कर रही है और उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली मास्किंग अप्लाई करो और स्किन के रूटीन में मास्किंग को ऐड करो. अगर आप हफ्ते में एक बार मास्किंग नहीं करते हो देन मेक श्योर यू आर डूइंग इट वंस इन अ वीक एटलीस्ट. पॉइंट नंबर 10 is moisturizing your face. Moisturizer बहुत different types के हैं. अपने skin type को पहचान के आप moisturizer apply करो, और moisturizer जो है वो हमारे requirement के हिसाब से भी use करना चाहिए. जैसे कि makeup से पहले you have to apply a moisturizer. अगर आप चाहते हो आपका makeup की ना हो, यहाँ से वहाँ ना जाए और आपका base एकदम hydrated and flawless लगे, इसके लिए you have to apply a moisturizer before your makeup and also before going to sleep. रात को सोने से पहले अपने फेस को क्लीन करके moisturizer apply करना इज सो इंपॉर्टेंट. दिस विल डिले योर एजिंग के साइन. क्वालिटी का अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन को सूट करे वो अप्लाई करने से इट विल मेक ऑल द डिफरेंस. बाय चूजिंग द करेक्ट मॉइस्चराइजर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज मैंने किए हैं, एटलीस्ट 2 to 3 या फिर 4 वीडियोज मैंने किए हैं. प्लीज देख लो उन वीडियोज को, सारा ज्ञान मैंने वहां पर शेयर किया है, तो देख लो वो वीडियो को. इतना ज्ञान अगर इस वीडियो में मैं शेयर करने चले जाऊंगी तो बहुत लेंथी बन जाएगा वीडियो. तो गाइज बहुत मेहनत से मैंने बहुत रिसर्च करके ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो और इनमें से आपको कौन सा वाला पॉइंट बहुत ज्यादा सही लगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स एकदम इक्वली इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे लास्ट पॉइंट में, विच इज पॉइंट नंबर 11, एंड दैट इज टू अप्लाई अ सनस्क्रीन. तो सनस्क्रीन जो होता है वो हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर आप घर के अंदर हो तब भी सनस्क्रीन यू हैव टू यूज, क्योंकि घर के अंदर जो स्क्रीन है, मॉनिटर का स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन थोड़ा सा दूर होता है, खैर उसकी जरूरत नहीं होती है. बट अगर आप लैपटॉप में बहुत देर तक काम करते हो, किचन में काम करते हो या फिर बैल्कनी वगैरह में, तो हम सभी जाते हैं, थोड़ा सा विंडो के सामने भी चले जाते हैं, तो उससे भी हमारी स्किन डैमेज हो सकती है. तो फेस को और नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलवेज अप्लाई अ सनस्क्रीन. बट सनस्क्रीन अगर आप यूज करते हो देन मेक श्योर यू आर यूजिंग अ नॉन कॉमेडोजेनिक मिनरल ऑयल फ्री, SLS एंड पैराबिन फ्री सनस्क्रीन, बिकॉज दैट इज व्हाट यू नीड. अगर आप दूसरे सनस्क्रीन यूज करोगे नॉन कॉमेडोजेनिक नहीं है, जिसमें मिनरल ऑयल, पैराबिन और SLS है, तो वो आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉक कर देगा, जिससे आपकी स्किन में रैशेस
पिंपल्स, एक्ने, ये सारी चीजें होंगी वी ऑल डोंट वांट। तो इसी वजह से मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन सही वाला सेलेक्ट करो। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है, दो वीडियोस हैं, हाउ टू अप्लाई योर सनस्क्रीन एंड हाउ टू चूज योर सनस्क्रीन, दो वीडियोस है, देख लो, अच्छे से मिल जाएगी सारे नॉलेज। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें पहले से आप लोगों को बता के रखी है, बट वो सेपरेटली बताया था, तो इस वीडियो में मैंने सारी चीजों को एक साथ समेट के आप लोगों के साथ एक पूरा समरी क्रिएट कर दिया है। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और दूसरों के साथ, कि उनको भी पता चले ये सारी चीजें जो है, ये सारी पॉइंट्स जो है हमारे स्किन को कितना ज्यादा अच्छा कर सकता है। साथ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस।